जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मेरे पास में आ चुका है दोस्तों Vivo का नया स्मार्टफोन Vivo Y72 5G। ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको ना YouTube पे इसकी बहुत कम वीडियोस मिलेगी, क्योंकि Vivo अपनी जो Y सीरीज दोस्तों उसे ऑफलाइन मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रमोट करता है। आपको फिलहाल ये स्मार्टफोन Flipkart पे, Amazon पे देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको इसकी YouTube पर ज़्यादा वीडियो मिलेगी। लेकिन आपके लिए दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ Y72, और आपके लिए दोस्तों यहाँ पर दो कमाल सरप्राइजेस भी है। अब वो क्या है, आगे वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। ये दोस्तों जो Y72 है ना, इसकी मैं अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपको एक कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन के अंदर है ना कुछ मसाले की कमी Vivo ने यहां पर रख दी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों कंप्लीट अनबॉक्सिंग विद रिव्यू इसी Vivo Y72 का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि और कमाल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। वीडियो दोस्तों पूरा देखिए, उसके बाद आपके जो भी सजेशन है, जो भी आप मुझे एक फीडबैक देना चाहते हैं, वह मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूं स्मार्टफोन के इस बॉक्स की, तो बॉक्स दोस्तों टिपिकल जो वाई सीरीज आती है ना, जैसे मैंने आपको Y73 की अनबॉक्सिंग दी थी, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों सेम है। जहां पर सामने मेंशन है Y72 5G, पीछे दोस्तों इसकी कुछ मेन हाईलाइट मेंशन है, जैसे कि 5G, 8+ 4GB रैम, रिफ्रेश रेट, 5000mAh की बैटरी वगैरह। दोस्तों बॉक्स को है ना ओपन करते हैं। ऑलराइट, बॉक्स को ओपन किया, हमारे सामने एक वाइट सेक्शन। आपने एक बात गौर की है कि ओप्पो के अंदर आपको ब्लैक सेक्शन मिलता है और वीवो के अंदर आपको वाइट सेक्शन मिलता है। ऑलराइट, ये मैंने फिलहाल अभी नोट किया, क्योंकि अभी स्मार्टफोन थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। एक सेक्शन इसके अंदर दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और ये एक केस है दोस्तों, जो कि मुझे लगता है कि यार ये क्वालिटी ठीक ठाक वाली क्वालिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, ठीक ठाक वाली क्वालिटी यहाँ पे मिलती है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। हमारे ठीक सामने दोस्तों यहाँ पे रखा है एक पॉलीथीन के अंदर लिपटा हुआ, बहुत ही चमचमाता हुआ, लेकिन भारी स्मार्टफोन है दोस्तों। ये स्मार्टफोन यूजुअल से भारी लग रहा है मुझे। ऑलराइट, बॉक्स के अंदर अगर आगे देखा जाए तो इस पेपर के बाद में, ओ माय गॉड, एक अच्छी बात है कि आपको 3.5mm जैक वाले एयरफोन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आपके फ़ोन में हेडफोन जैक मिल जाएगा। अगर हम बात करें चार्जिंग केबल की, तो A2C आपको केबल मिलती है, और एक है दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग एडेप्टर। ऑलराइट, 18W का दोस्तों चार्जर मिलता है। मैं पहले सोच रहा था कि यार सिम इजेक्टर टूल कैसे नहीं मिला, यहाँ पर दोस्तों सिम इजेक्टर टूल अलग से दे रखा है नीचे कागज़ में लपेट के। तो दोस्तों सब कुछ मैंने रखा है साइड में, हमारे पास में है स्मार्टफोन जिससे मैं पॉलीथीन से बाहर निकालता हूँ। और सबसे पहली चीज़ तो मैंने नोटिस की है कि इसके ऊपर आपको पहले से ही है ना स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं उसे बात करता हूँ ना कि यार फ़ोन थोड़ा सा भारी है, अगर मैं अराउंड एक आइडिया लगाऊं तो ये है लगभग 195 ग्राम के आसपास का है ये, जो कि दोस्तों यूजेस के अंदर काफ़ी भारी लगता है ना, थोड़ा फील होता है कि यार हाथ के अंदर स्मार्टफोन है, पॉकेट के अंदर स्मार्टफोन है। और अगर मोटाई की बात करूं तो हाँ भाई साहब थोड़ा सा मोटा भी है। तो ऐसे में दोस्तों बिल्ड क्वालिटी इतनी खास नहीं है, लेकिन हाँ देखने के अंदर दोस्तों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लगता है। एक और चीज़, पीछे दोस्तों आपको यहाँ पे प्लास्टिक मिलता है, प्लास्टिक का ही फ्रेम मिलता है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसका मतलब डिस्प्ले के अंदर क्या चीज़ है, आप में से 90% लोग तो समझ गए होंगे। ऑलराइट दोस्तों, वीवो के जो स्मार्टफोन है देखने के अंदर काफ़ी अच्छे लगते हैं, देखने के अंदर प्रीमियम लगते हैं, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी 21,000 रुपये के स्मार्टफोन जितनी नहीं है। इसकी प्राइस सेगमेंट दोस्तों 21,000 रुपये की आने वाली है, उतनी मुझे पसंद नहीं आ रही है। एक और चीज़, आपको सामने वाटर ड्रॉप नॉच दिखाई दे रही होगी, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। ये दोस्तों पुराना ज़माना है, वीवो को इसे फॉलो नहीं करना चाहिए। दोस्तों फटाफट से हम बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन की। तो नीचे की साइड में एक बहुत अच्छी बात है कि आपको हेडफोन जैक मिलता है 3.5mm जैक, एक आपको माइक मिलता है, सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। स्पीकर ग्रिल दोस्तों काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, ये जो है ना ऐसी रेक्टेंगल कटी जो स्पीकर ग्रिल है मुझे अच्छी लगती है। अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, तो वॉल्यूम रॉकर से दोस्तों और एक लॉक अनलॉक का बटन, जिसे परफॉर्म किया गया है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए। लेफ्ट दोस्तों पूरी नीट एंड क्लीन है, एक्सेप्ट ये सिम ट्रे। और दोस्तों यहाँ पर आपको सिम ट्रे जो है ना, यहाँ पर आप सिर्फ डुअल सिम लगा पाएंगे, मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा पाएंगे, इस चीज़ को आपको
ध्यान में रखना है। ऊपर की साइड में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलता है, इसका मतलब नॉइस कैंसिलेशन माइक आपको यहां पे नहीं दिया गया है। सामने दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉज है, उसके जस्ट ऊपर है स्पीकर ग्रिल। पीछे की साइड में आपको दोस्तों डुअल कैमरा मिलते हैं, डिजाइन तीन वाली है लेकिन कैमरा आपको दो ही मिलते हैं, एक एलईडी फ्लैश है और एक ऊपर रेड कलर के अंदर छोटा सा लिखा है एआई कैमरा, अगर आप देख पा रहे हो, और ऊपर यहां पे नीचे लिखा है डुअल कैमरा। नीचे दोस्तों है विवो की ब्रांडिंग और यह है एक प्लास्टिक का बैग, जहां पर जो कलर्स है वो काफी अच्छे हैं, लेकिन एक वही बुरी बात है कि आपको यहां पे पॉलीकार्बोनेट मिलता है, प्लास्टिक मिलता है। अगर ग्लास होता तो और कमाल चीज यहां पे हो सकती थी। दोस्तों फोन को ना मैं स्टार्ट कर लेता हूं। ऑल राइट, Vivo 5G पावर्ड बाय Android। दोस्तों फोन स्टार्ट होता है, इसे मैं सेटअप करता हूं, तब तक आप अपना काम कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। अपने फीडबैक, अपने सजेशन फोन के बारे में, मेरे बारे में, वीडियो के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसकी दोस्तों हम ना दो यूनिट का गिव अवे करने वाले हैं, एक होगी ग्लैम से जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक मिलेगी आपको कमेंट पिकर से। ग्लैम में आपको सवाल मिलेगा कि पूरी वीडियो में आपने सब्सक्राइब का पॉपअप कितनी बार देखा, उसे आपको पूरी वीडियो के अंदर ध्यान से देखना है और आपको सही जवाब देना है। लेकिन यहां पर फर्क है दोस्तों, फर्क यहां पर यह है कि पहले जो गिव अवे थे ना Y73 के, वो विदाउट एनी टारगेट थे, ये दोस्तों टारगेट बेस्ड रहेगा। 2 महीने का वक्त है आपको वीडियो को दोस्तों शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, अपनी सिटी के अंदर, हर जगह पर, जहां दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे 40,000 सब्सक्राइबर्स को 2 महीने में, और आप में से दोस्तों किन्हीं 2 लकी व्यूअर को मिल पाएगा यही Y72 5G। लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में और एक कमेंट पिकर से। दोस्तों डिस्प्ले मेरे सामने है और ये डिस्प्ले दोस्तों मुझे देखकर ना इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लग रही है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे सामने है एक वाटर ड्रॉप नॉच, और दोस्तों जो बेजल्स वगैरह है ना वो भी थोड़े से मुझे एवरेज से बड़े लगते हैं, चिन वगैरह मुझे ठीक है लेकिन देखने में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपको यहां पर बात करूं तो मिलती है 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS की LCD पैनल आपको यहां पे मिलती है। दोस्तों AMOLED, सुपर AMOLED आपको यहां पे नहीं मिलता है। एक अच्छी बात है कि आपको यहां पे 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा एनहेंस कर सकती है। अगर मैं आपसे बात करता हूं ब्राइटनेस की, हालांकि आपको मैं डिस्प्ले पे अलग से दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर पूरा कम करता हूं ना तो इंडोर के अंदर भी मुझे पूरा यहां पर डिस्प्ले में अंधेरा आ गया है, दिखाई नहीं दे रहा है डिस्प्ले के अंदर। तो अगर आप धूप में यूज करोगे, सनलाइट में यूज करोगे, तो बिल्कुल भी आप उम्मीद मत रखिए कि आप एकदम ब्राइटनेस को कम करके चला पाएंगे, है ना। तो ब्राइटनेस पीक भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलता है 84.5% का, यानी कि दोस्तों डिस्प्ले के मामले में मैं कहूंगा कि ठीक ठाक है, लेकिन 13,000-15,000 वाली फीलिंग देता है। दोस्तों 21,000 रुपए वाली फीलिंग यहां पर बिल्कुल भी नहीं है डिस्प्ले को देखते हुए। डिस्प्ले के बाद में वीवो ने यहां पर काम किया है और एक कमी भी रखी है इसके प्रोसेसर के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 480 5G। ये दोस्तों जो प्रोसेसर है ना, ये बिल्कुल एक 5G की दुनिया में एक एंट्री लेवल जो एक प्रोसेसर है वो है दोस्तों स्नैपड्रैगन 480। मेरे पास में जो वेरिएंट है दोस्तों ये है 8GB 128GB का, 4GB रैम आप यहां पर वर्चुअल ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी रैम वगैरह कम पड़ गई तो आप इसे 4GB तक एक्सटेंड कर पाएंगे। LPDDR4X रैम और UFS 2.1 स्टोरेज के साथ में आपको स्मार्टफोन मिलता है। एंटिटी स्कोर मैं आपको यहां पर मेंशन कर दूंगा, फिलहाल मैंने निकाला नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूं ना कि 21,000 रुपए का स्मार्टफोन और हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 480, तो ये कहीं पर भी दोस्तों जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आप उम्मीद रखते हो ना कि आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हायर लेवल पर गेमिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे दोस्तों, उम्मीद आप बिल्कुल भी मत रखिएगा। कोशिश करूंगा कि आपको इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है या फिर जो डेली यूजेस के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो आपको दे पाऊं, और ज़्यादा दिन नहीं, 5 दिन यूज़ कर लूं, उसके बाद में आपको कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। डिस्प्ले और प्रोसेसर के बाद में अब बारी आती है कैमरा की। कैमरा के अंदर भी दोस्तों इतना ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलता है, पहली बात तो डुअल कैमरा सेटअप है आपको 21,000 रुपये के अंदर। डुअल कैमरा सेटअप 21,000 रुपए का स्मार्टफोन, 2 कैमरा, 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी, कोई सेंसर नहीं बताया कौन सा है, और 2 मेगापिक्सल्स का सेकेंडरी, नहीं बताया कि कौन सा है, डेप्थ है या मैक्रो है। अल्ट्रावाइड तो आपको यहां पे मिलता ही नहीं है। सेल्फी कैमरा वाटर ड्रॉप के अंदर 8 मेगापिक्सल्स का। अब इसकी दोस्तों क्वालिटी कैसी है, ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि जितना कहा जाए उतना कम है, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर फोटो दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट है। अगर मैं एक्सपोजर वगैरह को बहुत ज़्यादा कुछ सेट वेट करता हूँ ना,
तो फिर यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, वो भी हर कंडीशन में नहीं, कभी कभार अच्छी मिलती है, वो भी आपको एक्सपोजर वगैरह बहुत ज़्यादा सेट करना पड़ता है। अगर आप एक नॉर्मल फोटो ले रहे हो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर। बाकी 5 दिन के बाद में आपको जो वीडियो मिलेगी दोस्तों उसके अंदर मैं कैमरा को भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। फिलहाल आपको फोटो क्वालिटी इतनी ज़्यादा खास, मतलब कि अगर ये फोन होता 12-13-14 हज़ार का, बहुत अच्छी क्वालिटी है, 21 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है, रद्दी क्वालिटी है। यहाँ पर एक ही मुझे अच्छी चीज़ लगी, वो है दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी 18 वाट की चार्जिंग के साथ में। ठीक है, 18 वाट को हम थोड़ा सा फास्ट चार्जर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो मिला वही ठीक है। बाकी फीचर्स को देखते हुए 5000 mAh की बैटरी है दोस्तों, इसी कारण फ़ोन थोड़ा सा हैवी है। तो हाँ, अगर आप एक नॉर्मल यूज करोगे तो आपके लिए दोस्तों बैटरी 1.5 से 2 दिन कहीं नहीं जाएगी, बाकी अगर आप थोड़ा बहुत इसे ज़्यादा यूज चलाओगे ना तो 1 दिन तो शाम तक तो पक्का यहाँ पे निकाल देगी। बाकी दोस्तों मेरे फर्स्ट इंप्रेशन स्मार्टफोन के बारे में क्या है, मैंने आपको चलती वीडियो में ही सब कुछ बता दिया है। आपके लिए दोस्तों इसी यूनिट का 2 गिव अवे है, एक ग्लैम से और एक रैंडम कमेंट पिकर से। ग्लैम में जाइए, वहां पर सारी एंट्री कंप्लीट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर जाइए, अपनी एक बहुत ही प्यारी सी कमेंट कर दीजिए और शायद आप जीत पाएंगे इसी Vivo Y72 को। अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमें हमारी जो एंड्रॉयड गुरुजी फैमिली है उसे बढ़ाकर 40,000 तक लेके जाना है 2 महीने में, और ये स्मार्टफोन आप में से किसी 2 लकी व्यूअर्स का टारगेट पूरा हुआ तो मेरा बजट भी पूरा हुआ और आपके लिए दोस्तों यहाँ पर गिफ्ट अरेंज हो जाएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। आप अपना काम कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।